नमस्कार, वाईफाई श्री राम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान पुलिस के लिए रीजनिंग का पाठ्यक्रम, जिसमें हमने एक क्लास लास्ट क्लास में पढ़ा कि कैलेंडर टोपी की शुरुआत करी गई थी, जिसमें हम बेसिक सी बात समझ पाए अभी तक कि वर्ष कितने प्रकार के होंगे, लीप वर्ष की संख्या के बारे में, लीप वर्ष की पहचान के बारे में। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, कुछ बेसिक से पॉइंट हैं कैलेंडर से संबंधित, उनके बारे में बात करते हैं कि कैसे उनके बारे में अलग अलग क्वेश्चन हमें पूछे जा सकते हैं। देखिए, अभी सबसे पहले मैं बात करता हूं आगे जो यूज होना है। सबसे पहले अतिरिक्त दिन, पूरे कैलेंडर में इनकी कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है, जिसे अतिरिक्त दिन कहा जाता है या विषम दिन कहा जाता है या कह दिया जाता है एक्स्ट्रा डेज। क्या होते हैं ये, कहां से इनकी जरूरत पड़ती है, उसके बारे में यदि बात करते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं ये चीजें हम रोजाना अपनी जिंदगी में यूज तो करते हैं, लेकिन हम उन्हें एक व्यवस्थित रूप में नहीं समझ पाते हैं। अतिरिक्त दिन या विषम दिन क्या होते हैं? देखिए, दिनों की संख्या है हमारे पास, उनमें कुछ सप्ताह तो बन जाते हैं, लेकिन वो दिन जो सप्ताह में काउंट नहीं हो पाते हैं उन्हें अतिरिक्त दिन में काउंट कर लिया जाता है। जैसे कि मान लो कि 10 दिन है, 10 दिनों में एक सप्ताह 7 दिन का तो पूरा पूरा बन सकता है, लेकिन बाकी जो 3 दिन बचे हुए हैं ये किसी सप्ताह में काउंट नहीं हो पा रहे हैं, तो ये 3 दिन यहां पर क्या कहलाते हैं, आपके अतिरिक्त दिन कहलाते हैं। ऐसे ही यदि मैं बात करता हूं कि मेरे पास 22 दिन है, अब इसमें 7-7 दिनों के 3 सप्ताह तो बन जाएंगे 21 दिनों के, बाद में जो एक दिन बचता है वो कहलाते हैं यहां पर अतिरिक्त दिन। अब इनका यूज हम कहां पे करते रहते हैं, यदि इसकी बात को समझा जाए कि देखिए, कहीं ना कहीं आज की बात मैं करता हूं, मान लेता हूं कि आज का जो दिन है वो 3 मार्च है, 3 मार्च को मंगलवार है। अब मेरे से किसी ने पूछा कि बताइए 12 मार्च को क्या दिन होगा। अब मैं रोजाना कहीं ना कहीं अपनी चीजों को समझता हूं, मैंने सोचा कि 3 मार्च को मंगलवार है, तो मेरे दिमाग में तुरंत आ जाता है कि 7 दिनों बाद 10 मार्च को वापस मंगलवार ही होने वाला है, तो 11 को बुधवार होगा, तो 12 को मेरा आंसर हो जाएगा कि गुरुवार आ जाएगा। सोचा सही है, बिल्कुल सही बात कही है, लेकिन ये जो बात कही गई है ये आपने अतिरिक्त दिनों के आधार पर ही कही है कि यदि देखा जाए हम मंगलवार से 2 दिन आगे बढ़ पाए कि 10वीं तारीख को वापिस 7 दिन मैं जोड़ देता हूं 3 में, तो 10 मार्च को तो वापिस क्या आ जाएगा, मंगलवार। 11 को देखा जाए तो बुधवार, और 12 को मेरा आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर गुरुवार हो जाएगा। लेकिन यदि मैं डायरेक्ट देखता तो 3 मार्च से चलता 12 मार्च तक आता तो 9 दिन बनते हैं। 9 दिनों में मैं देखता हूं अतिरिक्त दिन की संख्या, तो एक सप्ताह तो बन जाएगा, लेकिन बाकी जो दिन बचे वो 2, ये 2 यहां पर क्या कहलाएंगे, आपके अतिरिक्त दिन कहलाएंगे। अब ये 2 अतिरिक्त दिन कहलाएंगे तो मैं मंगलवार से कितने दिन आगे आ जाऊंगा, 2 दिन आगे आ जाऊंगा, तो मेरा यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, गुरुवार आ जाएगा। तो इस तरह हम अतिरिक्त दिनों का यूज करके बहुत बड़ा गैप भी हो, अंतराल चाहे बड़ा हो, तो भी हम उसका आंसर निकालने की कोशिश कर सकते हैं कि 50 सप्ताह है, 55 सप्ताह है, कितने भी सप्ताह हमें दिए जाते हैं उस आधार पर हम यदि पता करना चाहें तो उनको हम कैसे पता करेंगे, ये यहां पर समझने की बात होगी। तो अलग अलग रूप में हम समझते हैं, तो सबसे पहले अतिरिक्त दिनों की बात करता हूं, तो सप्ताह के बाद जो दिन शेष रह जाते हैं, अब इन निकाल कैसे सकते हैं, जब भी अतिरिक्त दिन की बात आएगी आपको तुरंत 7 का भाग देना होगा, दिनों की संख्या जो भी होगी उसमें 7 का भाग देंगे, 7 का भाग देने पर जो शेषफल बचता है वो ही क्या कहलाते हैं, आपके अतिरिक्त दिन कहलाते हैं। कि दिनों की संख्या में 7 का भाग देने पर जो शेषफल बचेगा वे अतिरिक्त दिन कहलाते हैं। कैसे, अब मेरे पास आए 10 दिन, मैंने 7 का भाग दिया, शेषफल बचा 3, तो 10 दिनों में अतिरिक्त दिन कितने हो जाएंगे, 3। मेरे पास आए 22 दिन, 7 का भाग दिया, शेषफल कितना आ जाएगा, 1, अतिरिक्त दिन कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। अब इनकी संख्या मैं यदि देखता हूं, मेरे पास आए जैसे कि 35 दिन है, तो 7 का भाग दूंगा यहां पर, पूरा पूरा 5 पे चला गया, शेषफल 0, अतः अतिरिक्त दिन विषम दिन की संख्या 35 दिनों में कितनी होगी, 0 होगी। यदि मैं बात करता हूं
41 दिनों की, तो यहां पर 7 का भाग दूंगा, शेषफल कितना बचेगा, 6 बच जाएगा। तो अतिरिक्त दिनों के लिए दिनों की संख्या में 7 का भाग देने पर जो शेषफल बचता है वही अतिरिक्त दिन होते हैं। दूसरी बात, इनकी संख्या 0 से 6 तक ही हो सकती है, कि 7 का भाग देंगे तो शेषफल या तो 0 बचेगा, 1, 2, 3, 4, 5 या 6 बच सकता है। इसके अलावा यदि बात करते हैं तो यहां पर कितने भी दिनों की संख्या हो हमें 7 का भाग देना होता है। तो यदि मैं बात करता हूं एक साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन की संख्या, साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने होंगे, तो साधारण वर्ष में दिन होते हैं 365, 7 का भाग दूंगा तो 52 सप्ताह तो पूरे पूरे बन जाएंगे ये 364 दिनों के। इसके बाद अतिरिक्त दिन कितने बचेंगे यहां पर, 1। तो एक साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं, 1 होता है। और यदि मैं बात करता हूं लीप वर्ष में अतिरिक्त दिन की, तो लीप वर्ष में होते हैं 366 दिन, 7 का भाग दूंगा तो 52 सप्ताह पूरे पूरे बनेंगे, लेकिन अतिरिक्त दिन कितने हो जाएंगे यहां पर, 2 हो जाएंगे। तो ये बात भी क्वेश्चन में हमें पूछी जा चुकी है कि एक साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन की संख्या कितनी होगी, तो एक साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन की संख्या होती है 1, और एक लीप वर्ष में अतिरिक्त दिन की संख्या कितनी होगी, 2 हो जाएगी। अब इस आधार पर, अतिरिक्त दिनों के आधार पर हम आगे पढ़ने वाले हैं कि हमें वर्ष का प्रथम दिन दिया जाए तो अंतिम दिन कैसे निकाला जाए, कोई कैलेंडर का पुनः उपयोग करना है तो वो कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में हम सारी बातें पढ़ने वाले हैं। तो उसके बारे में अब बात करते हैं। तो पहला पॉइंट है यहां पर कि किसी भी साधारण वर्ष का पहला दिन व अंतिम दिन समान होता है। आप देखेंगे कि किसी भी साधारण वर्ष का जो पहला दिन होता है वही अंतिम दिन होता है। मान लीजिए कि यदि 1 जनवरी 1950 को सोमवार था, और यदि हमसे पूछा जाए कि 31 दिसंबर 1950 को क्या दिन, तो हमें जब भी दिनांक पहली दी गई है, उस वर्ष का पहला दिन दिया गया है और हमें अंतिम दिन पर जाना है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि किसी भी साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन जो होता है वो क्या होता है, समान होता है। 1 जनवरी 1950 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 1950 को भी क्या होगा, सोमवार होगा। अब कैसे होगा यदि इसके बारे में यदि बात करते हैं, तो देखिए यदि मैं बात करता हूं, मैंने अभी पढ़ा था कि 2 मार्च को यदि मंगलवार है, तो मुझे 3 मार्च को यदि मंगलवार है, तो यदि मेरे को कहा जाए कि यहां पर 19 मार्च को क्या दिन होगा, तो मैं यहां से क्या करूंगा, इसके अतिरिक्त दिन निकाल लूंगा। 3 से 19 तक के अतिरिक्त दिन बनते हैं 16, 16 में 7 का भाग दूंगा, शेषफल बचेगा 2, तो मंगलवार से 2 दिन आगे चलूंगा, यहां पर आंसर क्या आएगा, गुरुवार। वही लॉजिक कि 3 मार्च को यदि मंगलवार है तो 10 मार्च को भी क्या होगा, मंगलवार। 17 मार्च को भी क्या होगा, मंगलवार। तो 18 को बुधवार आएगा और 19 को क्या आ जाएगा, गुरुवार। उसी प्रकार से यदि मैं 1 जनवरी 1950 से शुरुआत करता हूं और 31 दिसंबर 1950 तक आता हूं तो पूरे पूरे सप्ताह बन जाते हैं और मेरे पास अतिरिक्त दिन जो बचते हैं वो 0 बच रहे होंगे, क्योंकि मैं 1 जनवरी के बाद से चलता हूं 31 दिसंबर 1950 तक, तो 1 जनवरी के बाद के जो दिन बचे वो 364, 7 का भाग दूंगा, शेषफल कितना आएगा, 0। मतलब मुझे सोमवार से कितने दिन आगे चलना पड़ेगा, 0 दिन आगे चलूंगा, तो वापिस मेरे को वहां पर क्या मिल जाता है, सोमवार ही मिल जाता है। तो आपने पहली बात यहां पे समझ ली कि किसी भी साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है। दूसरी बात इसके बारे में हम समझते हैं कि लीप वर्ष के बारे में क्या होगा। लीप वर्ष में एक दिन आगे बढ़ जाता है जो अंतिम दिन होता है, कि यदि देखा जाए तो किसी भी लीप वर्ष का, किसी भी लीप वर्ष का अंतिम दिन
उसी वर्ष के पहले दिन से अगला दिन होता है। क्या कह रहे हैं कि किसी भी लीप वर्ष का जो अंतिम दिन होता है उसी वर्ष के पहले दिन से अगला दिन हो जाता है। कि मान लीजिए कि यदि 1 जनवरी 2012 को बुधवार हो तो वो पूछे कि 31 दिसंबर 2012 को क्या दिन होगा। तो यदि देखा जाए वर्ष कैसा है, लीप वर्ष, क्योंकि 12 में 4 का भाग चला जाता है और ये पहला दिन और हमें अंतिम दिन पूछ रहा है। अब देखा जाए यहां पर जो दिनों की संख्या बढ़कर 364, 1 जनवरी के बाद के दिन मैं काउंट करना चाहूं तो ये दिन कितने होंगे, 365। 7 का भाग दूंगा, शेषफल कितना बचेगा, 1। मतलब इस बार मुझे बुधवार से एक दिन आगे चलने की आवश्यकता है और वो क्या होगा, यहां पर गुरुवार होगा। तो लीप वर्ष का जो अंतिम दिन था वो उसी वर्ष के पहले दिन से क्या हो जाता है, अगला दिन हो जाता है। तो दो बातें हैं कि साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है, लीप वर्ष का अंतिम दिन उसी वर्ष के पहले दिन से अगला दिन होता है। तो इससे आगे चलते हैं, इसके बारे में कुछ और बातें समझते हैं। तो यहां पर अब क्या बात है कि यह तो बात तब है कि जब हमें लीप वर्ष का पहला दिन ही दिया जाता है। यहां तक हमने पढ़ा कि किसी भी साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है, लीप वर्ष का अंतिम दिन उसी वर्ष के पहले दिन से अगला दिन होता है। अब आगे यदि हम चलते हैं इसके बारे में और बात करते हैं, ये तो बात है तब कि जब हमें पहला दिन ही दिया जाए, अंतिम दिन पूछ ले। अब ये भी हो सकता है कि किसी वर्ष के भीतर मार्च या अप्रैल का कोई दिन दे दिया और अगले साल का कोई दिन पूछा जा रहा है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इसी बात से समझते हैं। देखिए, यदि मैं यहां पे समझता हूं कि 1 जनवरी 1913 को सोमवार था, यदि 1 जनवरी 1913 को सोमवार था और मुझे कोई पूछे कि बताओ 1 जनवरी 1914 को क्या दिन होगा, तो मेरे को इतनी बात अभी पता थी कि साधारण वर्ष है, पहला दिन जो होगा वही अंतिम दिन होगा। मैंने लगाया कि 1 जनवरी 1913 को ये दिन, तो 31 दिसंबर 1913 को भी क्या होगा, सोमवार होगा। और इससे अगला दिन मेरे से पूछा गया था, तो एक दिन मैं और आगे चलूंगा तो 1 जनवरी 1914 को क्या दिन हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। तो मैं यहां से एक बात समझ सकता हूं कि यदि दिनांक और महीना समान है, वर्ष साधारण वर्ष है, तो इससे अगले वर्ष में यदि आप जाते हैं तो हम एक दिन क्या बढ़ जाते हैं, आगे चले जाते हैं। हम एक दिन क्या बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। कब, जब दिनांक और महीना क्या हो, समान। यहां भी 1 जनवरी है तो यहां भी क्या है, 1 जनवरी। वर्ष कैसा था, साधारण वर्ष। मैं इससे अगले वर्ष में आ रहा हूं तो मैं कितने दिन आगे आ जाता हूं, यहां पर 1 दिन आगे आ जाता हूं। और यदि यही ऐसा हो जाता कि 1 जनवरी 2016 को यदि बुधवार हो और मेरे को कहे कि बताओ 1 जनवरी 2017 को क्या दिन होगा, अब दिनांक 1 जनवरी है, जो वर्ष है वो लीप वर्ष है, तो मुझे पता है कि किसी भी लीप वर्ष का अंतिम दिन उसी वर्ष के पहले दिन से अगला दिन होता है। मीन 1 जनवरी 2016 को बुधवार, तो 31 दिसंबर 2016 को क्या होगा, गुरुवार होगा। और 1 जनवरी इससे और अगला दिन आ गया, 2017 का पहला दिन, तो 31 दिसंबर 2016 के बाद का दिन होगा 1 जनवरी। तो यहां पे मेरा आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार। मीन इस बार यदि मैं देखता हूं दिनांक और महीना समान था, वर्ष लीप वर्ष था, तो अगले वर्ष में जब मैं गया तो मैं अब एक दिन की बजाय कितने दिन आगे आ चुका हूं, 2 दिन आगे आ चुका हूं। तो यही बात कि यदि दिनांक और महीना समान हो, वर्ष लीप वर्ष हो, तो उससे अगले वर्ष में आप जाते हो तो कितने दिन आगे बढ़ना पड़ता है, हमें 2 दिन आगे बढ़ना पड़ता है।
दिनांक और महीना समान है, वर्ष साधारण वर्ष है, उससे अगले वर्ष में जा रहे हो तो एक दिन आगे बढ़ जाओगे, और यदि दिनांक और महीना समान है, वर्ष लीप वर्ष है, तो अगले वर्ष में जाओगे तो आप दो दिन आगे बढ़ जाओगे। लेकिन इसमें कुछ बातें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। ये एक से दो क्यों हुआ है? क्योंकि इस अंतराल में 29 फरवरी आ रही थी, उस वजह से दो हुआ है। अब कई बार ऐसा क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है कि उस अंतराल में फरवरी के बाद का महीना आ जाता है, लेकिन वर्ष हमें लीप देखने को मिलता है, तो तब वहां पे भी हमें एक दिन ही आगे बढ़ना होगा। तो बात इतनी सी है कि यदि दिनांक और महीना समान हो और आप एक वर्ष से अगले वर्ष में जा रहे हो, यदि उस अंतराल में 29 फरवरी आएगी तब तो आपको दो दिन आगे बढ़ना होगा, यदि उस अंतराल में 29 फरवरी नहीं आएगी तो आपको एक दिन आगे बढ़ना होगा। जैसे कि क्वेश्चन से समझते हैं कि किस प्रकार से हमें इन बातों को क्लियर करना होगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया, कि यदि 2010 का गणतंत्र दिवस सोमवार को मनाया गया हो तो 2011 का गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? अब क्या कह रहा है कि 2010 का गणतंत्र दिवस यदि सोमवार को मनाया गया हो तो 2011 का गणतंत्र दिवस कब मनाया गया होगा? देखिए, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2010 वार था उस दिन यदि सोमवार, तो वो कह रहा है कि 26 जनवरी 2011 का दिन क्या होगा? बात वही, दिनांक समान, महीना समान, वर्ष साधारण, अगले वर्ष में जा रहा हूं, कितने दिन आगे बढ़ जाऊंगा? एक दिन आगे बढ़ जाऊंगा। तो मेरा आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? अब मंगलवार हो जाएगा। तो दिनांक और महीना समान हो, वर्ष साधारण वर्ष हो, तो अगले वर्ष में जाने के लिए कितने दिन आगे बढ़ जाते हैं? एक दिन आगे बढ़ जाते हैं। और यही क्वेश्चन ऐसा हो जाता कि यदि वर्ष 1980 का गणतंत्र दिवस सोमवार को मनाया गया तो वर्ष 1981 का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाए? अब देखिए, वर्ष 1980 का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1980 क्या दिन? सोमवार। और वो पूछ रहा है हमसे 26 जनवरी 1981 का दिन। दिनांक भी समान है, महीना भी समान है, वर्ष कैसा है? ये लीप वर्ष। लीप वर्ष में यदि मैं देखूं तो अभी फरवरी 1980 आएगी तो उसमें 29 फरवरी भी आएगी, मतलब मैं यहां पे दिनांक और महीना समान, वर्ष लीप वर्ष है, तो मैं कितने दिन आगे बढ़ूंगा? इस बार दो दिन आगे बढ़ूंगा। आंसर क्या आ जाएगा यहां पर आपका? सोमवार से दो दिन आगे बढ़ोगे तो वो आ जाएगा आपका बुधवार। तो दो बातें आई, लेकिन इन्हीं में से क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा गया? क्वेश्चन आया अखबार एग्जाम में कि वर्ष 1988 का, यदि वर्ष 1988 का स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया, वर्ष 1988 का स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया हो तो वर्ष 1989 का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाएगा? इसके बारे में बात करनी थी। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अब वर्ष 1988 का स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया, मीन ये कहना चाहता है कि 15 अगस्त 1988 का जो दिन था वो बुधवार था, और पूछना चाहता है 15 अगस्त 1989 का दिन। अब हम कैसे पता करें? बात वही है, जो पढ़ा है वहीं से अपने आंसर देना है। दिनांक और महीना क्या है? समान। वर्ष क्या है? लीप वर्ष है। अब पढ़ा मैंने ये कि दिनांक और महीना समान, वर्ष लीप वर्ष है, अगले वर्ष में हम जाएं दो दिन आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन हमें समझना है कॉन्सेप्ट को।
कि दो दिन आगे क्यों बढ़ रहे थे, हम एक से दो तभी हुए थे जब वहां पे 29 फरवरी आ रही थी। अब मैं यदि यहां पे ध्यान से देखूं 15 अगस्त 1988 के बाद में 1988 की फरवरी नहीं आएगी, और 1988 की फरवरी नहीं आएगी तो उसमें 29 फरवरी भी नहीं आने वाली। तो मैं यहां पर दो दिन आगे नहीं बढ़ सकता, मेरे को यहां पे कितने दिन आगे बढ़ना पड़ेगा, एक दिन ही आगे बढ़ना पड़ेगा। यदि 29 फरवरी आती तब मैं यहां पे दो दिन आगे बढ़ता। तो मेरा सही आंसर यहां पर क्या होगा, गुरुवार ही माना जाएगा। इस चीज का आपको बेहतरी से ध्यान रखना होगा कि दिनांक और महीना समान है, अगले वर्ष में जाओ यदि 29 फरवरी आए तो दो दिन आगे बढ़ जाना, यदि नहीं आए 29 फरवरी उसमें तो आप एक दिन ही आगे बढ़ पाओगे। क्लियर है यहां तक की बात। एक एग्जांपल और समझते हैं, वो भी आपको किसी परीक्षा में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन आता है कि यदि 23 मार्च 1931 को सोमवार था तो बताओ 23 मार्च 1932 को क्या दिन होगा। 23 मार्च 1931 शहीद दिवस मनाया जाता है। अब उसमें बात करें कि 23 मार्च 1931 दिनांक और महीना समान है, वर्ष साधारण है, ये बात यहां तक बिल्कुल सही बैठ रही थी। लेकिन मैं आगे जब 32 में प्रवेश करता हूं 1932 में, तो मेरे को ध्यान आया कि ये 1932 एक लीप वर्ष है और इसमें फरवरी आ रही है 29। अब मेरे को यहां पर ऊपर से देख के तो मैं एक दिन आगे बढ़ सकता था, लेकिन एक दिन आगे बढ़ने पर मेरा आंसर सही नहीं हो पाएगा। मुझे अब कितने दिन आगे बढ़ना पड़ेगा, यहां पर दो दिन आगे बढ़ना पड़ेगा, और आंसर यहां पर क्या माना जाएगा आपका, बुधवार सही माना जाएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें कहीं ना कहीं ध्यान रखनी होती हैं और उन चीजों को हमें समझना होगा। रटने पर ध्यान कम देकर उन कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे तो हमारा कैलेंडर से कोई भी प्रश्न नहीं रहने वाला। यही प्रश्न हमें किसी ना किसी परीक्षा में पूछे जाते हैं और यही आपकी परीक्षा में हमें पूछे जा सकते हैं। तो यहां तक हमने दो तीन बातें समझी हैं, उन्हीं से संबंधित थोड़ा सा आगे चलते हैं कि कैलेंडर का पुनः उपयोग कैसे किया जा सकता है। अब बात समझते हैं कि कैलेंडर का पुनः उपयोग, अब कोई भी कैलेंडर वापस यूज में कैसे किया जाए। देखिए यदि अब 2020 चल रहा है या कोई भी वर्ष का आप अपना कैलेंडर यूज करना चाहते हैं तो मतलब है उस बात का कि वर्ष चेंज हो सकता है, लेकिन उसकी दिनांक भी वही रहनी चाहिए और उसका वार भी वही रहना चाहिए। और यदि वो वार और दिनांक सेम है तो उसका कैलेंडर हम कह सकते हैं कि इसे पुनः उपयोग में लिया जा रहा है। अब वो उसके लिए हमें कुछ बातें अतिरिक्त दिनों के आधार पर ही समझनी होती हैं, लेकिन उसके लिए हम पहले कुछ बातें नोट कर लेते हैं कि पहली बात कि किसी भी लीप वर्ष से तुरंत अगले वर्ष का कैलेंडर, किसी भी लीप वर्ष से तुरंत अगले वर्ष का कैलेंडर 6 वर्ष बाद पुनः उपयोग में लिया जा सकता है। यदि कोई ऐसा वर्ष है जो लीप वर्ष से तुरंत अगला वर्ष है तो वो कैलेंडर 6 वर्षों बाद पुनः उपयोग में आ सकता है। कैसे आ सकता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। दूसरी बात, किसी भी लीप वर्ष से बाद के दूसरे और तीसरे वर्ष का कैलेंडर 11-11 वर्ष बाद पुनः उपयोग में लिया जा सकता है। यदि तुरंत अगला वर्ष होगा तब तो 6 वर्ष बाद पुनः उपयोग में लिया जा सकेगा। यदि लीप वर्ष के बाद का दूसरा और तीसरा वर्ष होगा तो वो 11-11 वर्षों बाद हमें उपयोग में आ सकता है। तीसरी बात, किसी भी लीप वर्ष का कैलेंडर
28 वर्ष बाद पुनः उपयोग में ले सकते हैं। ये बात के लिए कुछ एक बातें हमें और समझनी पड़ेंगी, लेकिन पहली दो बातें हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हमें ध्यान में रखना होगा कि कोई भी लीप वर्ष से तुरंत अगला वर्ष है तब तो 6 वर्ष बाद पुनः उपयोग में आ सकता है, और यदि लीप वर्ष के बाद का दूसरा और तीसरा वर्ष है तो वह कैलेंडर 11 वर्षों बाद हमें वापस देखने को मिल सकते हैं यदि हम यूज करना चाहें तो। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन में आया कि 2015 का कैलेंडर पुनः कब उपयोग में लिया जा सकता है। अब 2015 का कैलेंडर कहा गया है, हमने जो भी बात पढ़ी है यहां पर वो लीप वर्ष के आधार पर पढ़ी है। अब लीप वर्ष के आधार पर यदि हमने पढ़ी है तो उसमें हमें इतनी बात समझनी होगी कि उसमें 2015 से पहले का लीप वर्ष हमें देखना पड़ेगा। अब जैसे कि 2014, इससे पहले लीप वर्ष नहीं है ये, 2013 और 2012। अब यहां से पहले का लीप वर्ष आया है 2012। अब हमारे बात में समझ आ सकता है कि लीप वर्ष से तुरंत अगला वर्ष होगा, मीन 2013 का वर्ष है तो कितने सालों बाद काम में आ सकता है, 6। कि यदि 2013 का कैलेंडर देखा जाए तो कब काम में आएगा, 2019 में काम में आ सकता है। 2014 ये लीप वर्ष के तुरंत अगला वर्ष था, ये लीप वर्ष के बाद का दूसरा वर्ष है, तो हमने पढ़ा था लीप वर्ष से तुरंत अगले वर्ष का कैलेंडर तो 6 साल बाद काम में आ जाता है, और लीप वर्ष के बाद का दूसरा और तीसरा वर्ष है वो 11 साल बाद काम में आता है, तो 2014 का कैलेंडर जो आएगा वो 2025 में काम में आएगा, और 2015 का कैलेंडर लीप वर्ष के बाद का तीसरा वर्ष है, ये भी 11 साल बाद काम में आएगा, तो ये कैलेंडर काम में आएगा 2026 में। इस तरह से आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है। लेकिन अब यह भी समझते हैं कि यह कैलेंडर कैसे समान हो रहा है। यदि उसके लिए हमने देखा, जो बातें हमने पढ़ी हैं हम उन्हीं से ये काम ये करने वाले हैं, कि जो बात अभी हम पढ़ पाए कि मान लो 1 जनवरी 2013 को बुधवार हो तो इसका मतलब 1 जनवरी 2019 को भी क्या होना चाहिए, बुधवार होना चाहिए। तो चलते हैं, 1 जनवरी 2013 को बुधवार तो 1 जनवरी 2014 को, दिनांक और महीना समान है, वर्ष साधारण वर्ष है, अगले वर्ष में चलूंगा एक दिन आगे, क्या हो जाएगा, गुरुवार। 1 जनवरी 2015 को शुक्रवार, 1 जनवरी 2016 को, दिनांक और महीना समान है, वर्ष साधारण है, अगले वर्ष में फिर एक दिन आगे, शनिवार। 1 जनवरी 2017 दिनांक और महीना समान, वर्ष लीप, अगले वर्ष में जाऊंगा, दो दिन आगे बढ़ूंगा, क्या आएगा, सोमवार। 1 जनवरी 2018 मंगलवार, 1 जनवरी 2019 क्या हो जाएगा, बुधवार। तो 2013 के बाद में बुधवार आया है 2019 में, अब 1 जनवरी 2013 को बुधवार होगा तो 2 जनवरी 2013 को होगा गुरुवार, तो यहां पर 2 जनवरी 2019 को भी क्या होगा, गुरुवार। तो 13 का कैलेंडर 6 साल के बाद क्या हो जाएगा, वापस सेम चलना स्टार्ट कर देगा। तो एक बात का ध्यान रखनी, साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष के ही समान हो सकता है और लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष के समान हो सकता है। यदि मैं देखना चाहूं यहां पर 1 जनवरी 2020 को गुरुवार आ सकता है तो यह कैलेंडर इसके समान नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये वर्ष जो है वो साधारण है और ये वर्ष जो है वो क्या है, लीप है। हमें तब तक आगे चलना पड़ेगा जब तक कि वहां पर हमें साधारण वर्ष ना मिल जाए, वो साधारण वर्ष जाके मुझे मिलेगा 2025 में। इसी प्रकार 2015 वाला कैलेंडर कब समान हो पाएगा, 2026 में। तो इस तरह हमने चार बातें समझ ली कि कैलेंडर का पुनः उपयोग कब किया जा सकता है, किसी भी लीप वर्ष से तुरंत अगला वर्ष होगा तो वह 6 वर्ष बाद पुनः उपयोग में आ सकता है, लीप वर्ष के बाद का दूसरा और तीसरे वर्ष का कैलेंडर 11 सालों के बाद पुनः उपयोग में आ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद। दो लक्षण होना चाहिए, डेट पहला स्टेप है 1:30 बजे तक, दूसरा स्टेप 3 बजे तक, फिर 4:30-5 बजे तक, फिर रात की 2:11 बजे।
देखने के बाद टाइप हो गया। वीणा पाणी की, वीणा पाणी की अनुकंपा से, अनुकंपा से संकल्प करते हैं कि, संकल्प करते हैं कि कठिन परिश्रम, कठिन परिश्रम उत्कृष्ट लगन, उत्कृष्ट लगन समन्वय, समन्वय व पूर्ण आत्मविश्वास के योग से, पूर्ण आत्मविश्वास के योग से हम अपना लक्ष्य लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं तथा भविष्य में भी करते रहेंगे, करते रहेंगे और जो कुछ करनी है और जो कुछ करनी है उसके लिए नहीं शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है। जय श्री राम। जय श्री राजस्थान के हम देवासी चंपा सिंह जी जो कि यदि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अंधकार जरूर की संबंध का भर लेता है। श्री राम कॉम्पिटिशन प्लस लिमिटेड सीकर के इस प्रांगण में सबसे पहले मैं सुभाष जी का और उनकी पूरी इंस्टीट्यूट का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। आपको भी यही आवश्यकता है, मेहनत, विश्वास नहीं टूटने दे, चाहे गुरुजन हो, चाहे अपने माता पिता हो, चाहे मित्र हो, साथी हो, उसका विश्वास नहीं टूटने दे, मेहनत करें, लगन के साथ में करें, एकाग्र चित्त होकर के एक लक्ष्य लेकर के चलेंगे तो उस लक्ष्य से आपको पाने से कोई रोक नहीं सकता। आज के इस बहुत ही शानदार कार्यक्रम में उपस्थित राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री महोदय माननीय श्रीमान गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, राजस्थान पत्रिका के श्रीमान विनोद जी चौहान साहब और ये आपकी श्रीराम कोचिंग का अहोभाग्य सौभाग्य है। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा, आपके संस्थान में अभी आरएस के विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, रिट के लेवल फर्स्ट सेकेंड के विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, पटवार भर्ती के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, लोको पायलट सीबीटी की तैयारी कर रहे हैं, पूरे मंत्री महोदय पूरा लगभग राजस्थान का विद्यार्थी आपके यहाँ पर है और दूसरे शब्दों में ये कहूंगा कि आपके पास कुछ दूसरे राज्यों से भी विद्यार्थी हैं और ये विद्यार्थी आसपास में जब फोटो देख रहे हैं आप दीवारों पर, जब इनकी मंजिल इनको मिलती है तो हमें ऐसा लगता है कि हम एक सही रास्ते पर चल रहे हैं, सही मार्गदर्शन दे रहे हैं, क्योंकि मेरी टीम लगभग सारी वही टीम है जो जिस एग्जाम की क्लासेस वो ले रहे हैं उस एग्जाम के नजदीक कर एकदम नजदीक तक जाकर आए हुए, क्योंकि बिना योग्य टीम के कोई भी उस मंजिल तक पहुंचा नहीं सकते। और अब मैं ये कहना चाहूंगा कि सीकर एक एजुकेशन हब के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर रहा है, काफी छोटे बड़े इंस्टीट्यूट और आ रहे हैं और काफी मेरे साथी यहाँ पर अपने कार्य को बेहतरीन अंजाम दे रहे हैं और मैं ये कहूंगा कि जो विद्यार्थी आपके सामने बैठे हैं, आप एक एक की शक्ल आप देख सकते हैं, ये सब आपके शिक्षा के नुमाइंदे हैं और अपने आप जीवन को बेहतर बनाने के लिए दिन रात ये कर रहे हैं और इसमें हमारी टीम श्रीराम टीम पूरी अपने तन मन धन से समर्पित है, प्रबल रूप से प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। मैं राजस्थान पत्रिका परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम को यहां संपन्न करने का हमें मौका दिया और राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री महोदय श्रीमान गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब को भी मैं बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि हमें हमारे विद्यार्थियों को आपने मार्गदर्शन दिया, जो चुनिंदा टिप्स दी हैं, हम उन टिप्स का अनवरत पालन करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय श्री।
आज का ये बहुत बड़ी सफलता का दिन आरएस प्रॉपर। थैंक यू बेस्ट ऑफ लक, शानदार तालियां लौटी मेरी तरफ से। मेरे कपड़ा उस पानी में डाले जबरदस्त, उसका सांस घुटने लगा, वो ऊपर उठना चाह रहा था, गुरु ने वो जोर से दबा दिया, उसने पूरा जोर लगा दिया। और जब एक दो मिनट तक उसको दबाए रखा और बिल्कुल जब लगा कि अब भी दबाए रखा तो ये मर जाएगा, तब उसको छोड़ा। वो जब बाहर वापिस आया तो उसने कहा, गुरु जी ये आपने क्या किया, मैं तो क्या पी रहा था और आप तो उल्टा मेरे को मारने चले। तो गुरु ने कहा कि बिल्कुल नाश में आपको कैसा महसूस हो रहा था, जब एक एक सांस के लिए मेरा ये हो रहा था कि पूरी जान लगा दूं किसी तरह से बाहर निकल जाए। तो उसने कहा कि वो जो फीलिंग आपको उस वक्त हो रही थी, वो फीलिंग अगर आप अपने किसी भी चीज को जो आप अचीव करना चाहते हो, वो फीलिंग, वो एफर्ट, वो आप उसमें लगाओगे, वो शिद्दत है। और वो शिद्दत अगर आप पैदा कर लेते हो अपने लक्ष्य के प्रति, तो मैं नहीं समझता कि लक्ष्य आपसे, आप क्यों नहीं लक्ष्य आपसे। विनोद जी चौहान का भी ये विजय स्तंभ है, ये आप सबके भी, आप पे मैं ले रहा हूँ, आपके विजय के भी।